हेलो एवरीवन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं जो बेसिकली होने वाली है फंक्शंस एंड रिकर्सन्स के ऊपर फंक्शंस और विकर्शंस में मैंने बेसिकली एक एक वीडियो बना चुका हूं मैं जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फंक्शंस के टॉपिक्स के बारे में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसको हैंड रिटन नोट्स के को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम मैंने रिकर्शन के साथ भी किया है तो आज मैं आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करने में आपकी कोशिश करूँगा सो so, जो पहला चीज़ होने वाली है वो है कि मैं आपको इसमें फंक्शंस और इक्वेशनस के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ जिससे आपका जो आगे के जो क्वेश्चन है एडवांस क्वेश्चन वो आपको बहुत आसान पड़े तो मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को तीन पार्ट पे डिवाइड किया है जहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है वो जो आज की वीडियो है जिस जिसपे मैं बेसिकली क्या करूँगा मैं फंक्शंस और इक्वेशन्स के बेसिक पाँच प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व करा करूँगा जिससे क्या होगा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपकी अच्छी हो जाएगी अगला होगा जहाँ पे मैं आपको फंक्शंस एंड एकशन्स का एडवांस टॉपिक्स के ऊपर आपको कोट करके दिखाऊंगा जिससे आपका जो बेसिक लेवल वाला जो एडवांस लेवल है वो आपकी क्लियर हो जाएगी सो so, जो बेसिक और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स है वो टोटल मिला के दस क्वेश्चन है और जो लास्ट है वो होने वाली है एम टाइप क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बड़े बड़े कंपनी से पूछा आता है तो अगर आपको ये तीनों वीडियो को आप चाहते हो आगे फ्यूचर में तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो ये मेरी चैनल है और मैंने आप अभी तक ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो एस सी प्लस प्लस डी एस ए सीरीज़ के ऊपर है तो आपको जाके अगर सिर्फ देखना है इस सीरीज के बारे में क्या है इसकी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बिल ऑन रखें ताकि आगे जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में मिल सकें तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आज का है प्लान क्या है हमारा हमारा प्लान आज का है कि हम फिफ्टी वन क्वेश्चन से लेकर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो है फंक्शंस के ऊपर और बाकी जो तीन क्वेश्चन है वो रिकॉर्शंस के ऊपर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स बिटवीन टू इंटरवल्स सो इसमें क्या होगा हमने ये प्रॉब्लम यह नहीं तो है तो हमारा ये फर्स्ट टाइम है जहाँ हम डिस्प्ले करने वाले प्राइम नंबर्स कैसे कर सॉल्व करते हैं डिस्प्ले कैसे कर करते हैं हमने चेक टू कर चुका है हम वैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं कि ये है कि नहीं बट यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे कि प्राइम नंबर्स एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक क्या क्या नंबर्स रिसाइड करती हैं सो so, अभी मैं इस कोड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये वर्क करती है मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ जो गाँव प्राइम डिस्प्ले डॉट सी ओके सो so, पहले मैं कोड टेम्पलेट इंपोर्ट करूँगा कोड टेम्पलेट अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पर डेडिकेटेड भी वीडियो बना चुका हूँ मैं जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिखा चुका हूँ मैं कि कैसे आप यूजर से कोई टॉपिक बढ़ा सकते हो ठीक है तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को सबसे पहले हमें प्राइम नंबर जानना है तो मुझे क्या करना है प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर प्राइम है कि नहीं तो मैं इसके फंक्शन लिखता हूँ जो है बोल इज प्राइम और मैं एंड नउ इनपुट पैरामीटर देता हूँ फिर तो मैं क्या करता हूँ मैं चेक करता हूँ कि ये जो नम की वैल्यू है हमारे जो नंबर की वैल्यू है जो भी हो नम की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन मैं सिंपली बोलूँगा रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स मतलब फॉल्स रिटर्न कर देना मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो चुका है नहीं हुआ है ठीक है अभी मैं फॉर लूप लगाता हूँ फॉल लूप में क्या होगा अरे वो हाँ तो फॉर लूप में हमारा जो फॉलो पे स्टार्ट होगा टू से क्योंकि तो बट ऑफ है अपन टू से देखते हैं ना कि प्राइम है कि नहीं और कहाँ तक जाएंगे नम तक जाएंगे नम की जो वैल्यू है वहाँ तक जाएंगे और आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी उसके बाद हम लिखते हैं और उसके बाद अच्छा मैंने शायद एक दिया ओके ठीक थी, है अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ जो नम की वैल्यू है तो उसका जो मॉड्यूल है मॉड्यूल मतलब रिमाइंडर है अगर ज़ीरो तो आप क्या करो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स करना क्योंकि वो प्राइम नहीं है तो यह रिटर्न फॉल्स ओके और अगर ये नहीं होता है तो लूप से बाहर निकल जाओ डायरेक्टली और बता देना कि रिटर्न तो कि हमारा जो है आउटपुट वो ट्रू है आई थिंक सो आपको ये समझ आया होगा मैं आपको फिर आप से एक्सप्लेन करूँगा आप सिर्फ अभी कोड देखना कि मैं कैसे लिखता हूँ उसका अभी मुझे क्या चाहिए बेसिकली मेरे को दो चीज़ चाहिए मुझे स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए मुझे एंडिंग वैल्यू चाहिए तो मैं लिखता हूँ कि एंड स्टार्ट कॉमा एंड मतलब int start, int, end. ठीक है और मैं बोलता हूँ सी आउट एंटर द स्टार्टिंग नंबर स्टार्टिंग नंबर ठीक है एंडल यहाँ पे मैं डायरेक्ट जी बोलता हूँ स्टार्टिंग नंबर ये नहीं करता हूँ मैं बोलूँगा मैं कि स्टार्ट जो है वो आ जाए यहाँ पे अब मैं इसको कॉपी करता हूँ okay, सर ये नहीं चाहता हूँ ओके अब मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अब मैं बोलूंगा मुझे एंडिंग नंबर चाहिए तो वो यहाँ पे एंड आएगा एंड अब मैं लिखता हूँ आउट। मैं बोलता हूँ कि चलो प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड एंड इस क्या बोलते इस uh, और एक काम करते हैं हम इसका पहले ये निकल फंक्शन मतलब क्या बोलते हैं फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने यहाँ तक लिखा ठीक है अभी हमारा फंक्शन कॉल क्या होगा कि हम बोलते हैं कि फॉर फॉर दो प्रिंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट स्टार्ट से स्टार्ट कर दोस्ट इक्ट इक्वल आई और फिर मैं बोल इज प्राइम अगर ईज प्राइम है क्या ईस्ट प्राइम आई अगर आई ईज प्राइम है तो सी आउट कर देना आई टी वायर तो जो आई वैल्यू है वो वहाँ पे आ जाए ठीक है अपना पोच सही से चल रहा है और मैं यहाँ पे एक एंगल देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन मुझे गैप एंड चलो भी चेक कर मैं यहाँ लिखता हूँ जीरो ट तो यहाँ देखो टू थ्री फाइव सेवन ये सब से हमारे क्या कहते हैं हम इसको प्राइम नंबर है ज़ीरो से लेकर टेन के बीच अब मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ को डिमेंड करके मैं लिखता हूँ या पे ज़ीरो टू फिफ्टी तो इतने सारे नंबर्स है जो है प्राइम नंबर ज़ीरो से फिफ्टी के बीच में तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से एक पटाखे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैंने क्या किया बुलियन वैल्यू आ, इस प्राइम दिया इस प्राइम क्या होता है बेसिकली टू आवर पर्स में हमें रिटर्न करता है तो मैंने कहा कि इफ जो एंड की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू तो वन है तो रिटर्न फॉल्स कर देना क्योंकि डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं रहेगा उसके बाद मैंने कहा कि अगर एन बाई टू की वैल्यू तक जाती है तो क्या करना फिर हाँ जब तक जाती है तब तक आई की जो वैल्यू है मॉड्यूल रिमाइंडर की वैल्यू जब तक जीरो है तब तक बोल देना कि वो फॉल्स है क्योंकि डेफिनेट ना अगर आप बोलोगे कि टेन की जो वैल्यू है वो टेन इंटू टेन ज़्यादा होगा और टैंक के आगे तो नहीं जाएगा बॉटावे से यानी इलेवन तो नहीं होगा टेंक की जो रिमाइंडर है तो इसलिए मैंने क्या किया इसको ये कंडीशन यूज किया और मैंने कहा रिटर्न कॉल्स और अगर ये कुछ भी नहीं होता है बाई चांस ये सब नहीं होता है कुछ भी एक्सिक्यूटिमेंट तो रिटर्न टू बना जो शायद अपना होगा सही कि वो प्लाइन है फिर हमने दो इनपुट लिया यहाँ से एक इनपुट था स्टार्टिंग नंबर फिर अपन ने यूज़र को बोला कि आप इट पुट दो फिर मैंने कहा कि एंडिंग नंबर यूज़र ने मुझे इट पुट दिया एंडिंग का फिर मैंने कहा जो प्राइम नंबर बिटवीन स्टार्ट एंड एंड इस जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी और उसके बाद क्या हो गया अपन ने फॉलोअप चलाई फॉलोअप से क्या होगा फॉलोअप चेक कर दीजिए स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगी एंड तक जाएगी और जो कंडीशन दी है अपन ने प्राइम नंबर वो सेटिस्फाई करती है तो प्रिंट करेगी कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद एक स्पेस आएगा स्पेस क्यों आएगा क्योंकि अपने को नेक्स्ट नंबर भी डालना है तो दूसरे नंबर के लिए स्पेस आएगा और फिर क्या होगा सी आउट एंड एन ठीक है आई थिंक आपको समझ आया होगा भी कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स ओके सो इसमें क्या होगा बेसिकली आप कुछ भी दो नंबर कॉम्बिनेशन दोगे दो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन उसकी जो आउटपुट है वो हमें सेम आने चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो थर्टी फोर दिया है थर्टी फोर के अभी थ्री प्राइम है थर्टी वन प्राइम है फाइव टर्टी नाइन प्राइम है एलेवन ट्वेंटी थ्री प्राइम है तो ये जो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है उसने एक आउटपुट दिलाया आपने कोई भी नंबर हो चाहे हमें उसका आउटपुट प्राइम नंबर का पैर में चाहिए तो हम हाँ इसको सॉल्व करते हैं अभी तो अब मैं क्या करूँगा नया फाइल क्रिएट करता हूँ प्राइम पैरस डॉट सी मैं यहाँ पे कोड टेम्पलेट इम्पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पहले फंक्शन में आता हूँ अभी हमारा फंक्शन क्या होगा फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे प्राइम नंबर्स का ही पैर निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है तो हम वैसे ही निकालते हैं जैसे आपने पहले निकाला मैं क्या मतलब फॉर फॉर मी सॉरी गोल इज प्राइम ठीक है और एट नाम अब क्या होगा हम लिखेंगे यहाँ कि इफ जो नम की वैल्यू है वो इक्वल टू तो वन है तो मुझे बता देना रिटर्न फॉल्स कर देना ठीक है रिटर्न फॉल्स कर देना अब क्या होगा अभी मुझे एक और कंडीशन लगानी है वो है फॉल करके फॉलो रूप में क्या होगा इन टाइप को जीरो से स्टार्ट होगा आई जीरो टू से स्टार्ट होगा अभी ये ये इंपॉर्टेंट है क्या है कि मैं स्क्वायर चेक ठीक है अभी मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं इसी लिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो नंबर है वो अगर हंड्रेड तक रहे तो मैं हंड्रेड तक चले रहा नहीं मैं डायरेक्टली स्क्वायर करके चेक करता हूँ क्या उसका स्क्वायर रूट जो है वो नम है क्या मतलब जो नम की वैल्यू है उसका इंडे जीरो आ रही के लिए ठीक है अगर ये भी होता है जीरो तो मैं बोलूँगा कि नहीं है वो टाइम नहीं है घर में मैं बोलूँगा नम जो नाम की वैल्यू है वो मॉड्यूलो जीरो है मॉड्यूलो आई जीरो है मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि फॉल्स रिटर्न करेंटर्न रिटर्न अब देख अगर ये कुछ भी नहीं होता हमारे पास एक ऑप्शन बेस्ट हुआ है, है रिटर्न आई थिंक सबको समझ आया होगा कैसे इसको लिखते हैं अभी हम मेन फंक्शन मेन फंक्शन में क्या होगा पहले अच्छा मैंने और एक चीज़ लिखना चाहिए जो होगा अपना क्या हमें प्राइम पैर निकालना है ठीक है तो मैं void लेता हूँ void, void प्राइंड प्राइम पैर ठीक है क्योंकि ब्लाइंड पैस निकालना ना अपने पास उसका फंक्शन लिखना अपने लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ भी मैं इंट एंड का ही इंट एन पैरामीटर और अभी मैं क्या करूँगा मैं पैस फॉर फर्स्ट नंबर होगा अपना क्या होगा डेफिनेटली uh, अपनी एन होगी ना यस हमारा एन होगी और उसके बाद क्या होगा एंड एंड आई एंड एल्ड आई ठीक है ओके सॉरी आई नहीं आ चीज ठीक hmm. है चलेगा एन ही चाहिए अपने को ठीक है एन तक चाहिए अपने को और मैं इसको एंटर कर अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे भी लिखूंगा फॉर आई इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी लेस देन इक्वल टू तक जाएगी ठीक है और जो आई की वैल्यू है वो अभी ये इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इट्स ईजिन जो आई की जो वैल्यू है ठीक है एंड ईज प्राइम जो एन माइनस आई की वैल्यू ठीक है ठीके? आपको बताऊंगा क्योंकि इस चीज़ को यहाँ पे एन माइनस आई की वैल्यू है अगर ये सेटिस्फाई करती है डायरेक्टली बता देना किसी और n Equal I plus again mm. plus mm. plus and minus I. Mm. Sure. Same or may I end up for them? आपको एक्सप्लेन कर हूँ मैंने कैसे लिखा है ये क्यों लिखा है सब आपको समझा दूंगा पहले आप सिर्फ चेक करना कि कोड सही से आ रहा है क्योंकि मैं आपको गिखाऊंगा अब एग्जीक्यूट होता है फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है फिर मैं बोलूंगा एल्ट नम मैं बोलूंगा आउट एंड पॉजिटिव नम ठीक है अब बोलूंगा फाइन बम बस इसमें नम की वैल्यू है निक और हमारा जो वैल्यू है चेक हो ठीक है अभी चेक करते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं वो अभी मैं बोलता हूँ मुझे टेन का चाहिए तो टेन का क्या है थ्री प्लस सेवन सही है फाइव प्लस फाइव सही है सेवन प्लस सही है हमारा सही से चल रहा है अभी हम चेक करते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया अभी ध्यान से पहले हमने क्या किया पहले हमने एक प्राइम फैक्टर चेक करने के लिए हमने कोड लिखा जो है इस प्राइम का फंक्शन मैंने बनाया अभी इस प्राइम फंक्शन में क्या हुआ आपने चेक किया कि एन की जो वैल्यू नम की वैल्यू है वो तो 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 वन है कि नहीं बट ऑलवेज अगर वन से कम है तो वो फॉल्स है फिर हमने चेक किया कि क्या अगर हमने किसी आई की वैल्यू का स्क्वायर किया तो उसका जो रूट है वो भी डेफिनेटली जाएगा एन से कम रहेगा ठीक है न से कम होगा ना मतलब जो हमारा जो प्राइम वैल्यू है उससे तो कम होगा तो हमने क्या किया वो भी चेक किया और हमने कहा कि अगर जो नम की वैल्यू है वो परसेंट मॉड्यूल आई इज़ इक्वल टू जीरो डेफ़िनेटली उसको फॉल्स कर देना ठीक है और अगर ये कुछ भी नहीं होता तो मैं बोलता हूँ कि रिटर्न ट्रू कर देना ओके फाइन अभी मैंने इंपॉर्टेंट सा एक फंक्शन बनाया जो है प्रिंट प्राइम पैस अभी प्राइम का काम क्या है कि मैंने क्या किया प्राइम पैस फॉर एंड था ठीक है अभी फॉर जो इंड आई इक्वेल्यू टू से स्टार्ट किया आई की वैल्यू एंड तक देखे गया है और आई को प्लस प्लस किया अभी मैं चेक किया कि इस प्राइम जो आई की वैल्यू है एंड ईज प्राइम एन माइनस आई एन माइनस वन की आई अभी एन माइनस आई की है एन माइनस आई कैसे आया है? मैं आपको देख लें अभी यहाँ पर देखो क्या लिखना है यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राइम पेज फोर थर्टी फोर ठीक है 34, तो अभी जो लुप है वो टू से लेकर थर्टी फोर हो चलेगा डेफिनेटली यस अभी मैंने चेक किया कि ईज प्राइम अगर आई की वैल्यू है तो वो प्राइम नंबर है ठीक है चेक करेगा कि आई की वैल्यू प्राइम ही की नहीं अगर ये नहीं हुआ तो चेक करेगा कि एन माइनस आई की वैल्यू है कि प्राइम के लिए ठीक है अब ये एंड एंड माइनस आई का आंसर है मैं आपको दिखाता हूँ पहले इटेशन में आई की वैल्यू टू थी और दूसरी थर्टी फोर है ठीक है थर्टी फोर माइनस थर्टी टू चेक करेगा कि क्या वो प्राइम है कि नहीं है, है? तो बता देगा प्राइम है नहीं है तो फॉल्स बोल देगा ठीक है ओके थर्टी टू नॉट द प्राइम सो दिस कंडीशन इज फॉल्स सिंस बोथ कंडीशन आर नॉट मेट नथिंग इज प्रिंटेड फॉर दिस इक्शन मतलब प्रिंट कुछ हुआ ही क्योंकि फॉल्स है ना अभी ये वैल्यू पहुँची सेवनटीन तक आई की वैल्यू आई की वैल्यू टू से स्टार्ट होगी सेवनटीन तक चलें अभी सेवनटीन चेक हुआ कि क्या सेवनटीन माइनस थर्टी फोर जो है थर्टी फोर माइनस सेवनटीन वो प्राइम है कि नहीं प्राइम है तो हमने डिफ़ाइन किया कि यस द प्रोग्राम प्रिंट होगा थर्टी फोर इक्वल टू से आई थिंक सो अभी आपको क्लियर हुआ कि कैसे है आप जस्ट पढ़ लेना है क्या लिखा है मैंने आपको वो जो पार्ट है वो एग्जैक्टली समझ आ जाएगा सो so, यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया फिर मैंने जाके डिफाइन किया कि एन की वैल्यू आई की वैल्यू और एन माइनस आई की वैल्यू जो है हमारी जो अपन ने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया लिखा कि पॉजिटिव नंबर लिखना नम की वैल्यू इनपुट लेना और जो भी है फाइन पैर्स वो नम में आ जाएगा ठीक है नम की वैल्यू जो है वो चेक होगा जो ऊपर फंक्शन है अपना फंक्शन कॉल होगा अगर है प्राइम पैर्स तो हमारा प्राइम पैर जो है वो प्रिंट हो तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा एग्जैक्टली कि कैसे ये काम करता है आसान से है बहुत सो थोड़ा कॉन्सेप्ट हो आपको समझ आया होगा तो फिर आप ईजी लगाओगे इस चीज़ को ठीक है अभी अपना अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ठीक है यूजिंग रिकर्शन हमने नॉर्मली सीखा है एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम रिकर्शन यूज़ करते हैं तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि रिकर्शन से हम कैसे एन नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं तो मैं चालू करता हूँ अपना वी एस और मैं यहाँ लिखता हूँ सम Actual Dodge go Complete later translation. To get a may down, write down in fine some in that if. जो एन की वैल्यू है वो इक्वल टू वन है अगर जो एन की वैल्यू है वो इक्वल टू वन है तो बट अब एस इसका आंसर भी क्या आएगा वन आएगा ठीक है सही है अगर ये नहीं है तो क्या आएगा रिटर्न एन प्लस सम सो बेसिकली क्या होगा कि जो लूप में तो ये कंडीशन चेक करेगी अगर जो एन की वैल्यू वन है तो प्रिंट वन होगा नहीं है तो पहले जो एन की वैल्यू है वो प्रिंट होगा और जो पिछला वैल्यू था हमारा उसको भी ऐड कर देगा ठीक है सिंपल है एन माइनस वन के साथ तो आई थिंक सबको समझ आया होगा अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ ठीक है अभी अगला चीज़ है मेन फंक्शन मेन फंक्शन क्या होगा मेन नाम मैं बोलूँगा सी आउट यूज़र को बोलूँगा एंटर द नंबर अब मैं बोलूँगा जो नाम की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है तो लिख देना कि भाई एक अच्छा सा पॉजिटिव नंबर इतना सी आउट एंटर पॉजिटिव नंबर क्योंकि हम लोग हार्ट टेस्ट कैसे ट्राई कर हैं अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मतलब है ना हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा नेगेटिव नंबर आया तो क्या आना चाहिए तो वही लिखा है यहाँ पे इज अंडर पॉजिटिव नंबर फिर मैं बोलूँगा एल्स एल्स में क्या आएगा जो अपन ने लिखा ऊपर फंक्शन वो आएगा सम और यहाँ पैग न ठीक है आई थिंक सबको इतना समझ आया होगा और लास्ट चीज़ मैं करूंगा What do you think out? Yacht some of the we down with the natural numbers do it and wire natural natural numbers is क्या आएगा सम सम आएगा ठीक है अब मैं यहाँ पे एंड कर सो आई थिंक सो हमारा वोट सही है इन सम है इन सम का जो वैसे वो यहाँ पे अच्छा, okay, आ पर अच्छा ओके मैंने शायद उसको लूप के बाहर नहीं नहीं निकलायानी नीपनी कंडीशन के बाहर है तो अभी सही चलेगा ठीक है so, सो अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो इंटर नंबर है मैं बोलता हूँ आपस आप पर बार एग्जीबिट करता इंटर नंबर मैं बोलता हूँ पैथ क्या हो रहा है तो मिस्टेक हुआ है सीन अच्छा हो सीन खा सी इन आया गया ठीक है आप कर लिखता हो कह टू द फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर से फिफ्टी आंसर सा ये सिर्फ एक सिंपल सा है कि अपने को स्पेस डालना है यहाँ यहाँ पर स्पेस डालना ताकि वो मैस्टअप ना लगे अभी मैं चेक करता हूँ तो फाइव के साथ तो फिफ्टी लाइफ सही है अपना सही से चल रहा है आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने एक्जैक्टली कैसे किया ये एक्चुअली बहुत ईजी है हमने कंपेयर टु जो अपन डूप में कि थे उससे तो बहुत पहले हमने चेक किया कि एन इक्वल टू वन है तो रिटर्न ट्रू करना कि जो वाले वो प्रिंट होना चाहिए फिर मैंने कहा कि जो एन की वैल्यू है उसको प्लस जो हवाई फाइन सम है इसको चेक करो इसको चेक कैसे होएगा ये अपन यहाँ पे आके चेक होते रहेगा एन माइनस वन की वैल्यू से ठीक है वहाँ तक तो प्रिंट होगा उसके बाद क्या होगा अपन नम लेते हैं एक से हम एंटर नंबर लेते हैं सी इन करके मैं जो नम की वैल्यू है वो मैं यूज़र से इनपुट हूँ उसके बाद चेक करूंगा कि जो एल की वैल्यू के लेस देन इक्वल टू जीरो है है तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव नंबर लिखना आप ठीक है एल से मैं बोलूँगा फाइन सम जो लम है जो फंक्शन अपना लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा एग्जीक्यूट की जो वैल्यू आएगी सम में स्टोर होगी और स्टम में जो स्टोर होगी वैल्यू वो यहाँ पर प्रिंट होगा ठीक है हम एक और एक बार एग्ज़ाम्पल चेक करने को कि नेगेटिव नंबर्स का क्या है नेगेटिव नंबर्स को मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ क्या होगा वापस अभी से दिक्कत हो और नेगेटिव नंबर में दिक्कत तो है एक बार कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस टेन तो बोल रहे हैं एंटर पॉजिटिव नंबर तो बहुत सही से चल रहा है हमारा हमारे कोई दिक्कत नहीं है तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं सो so अभी ये क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ फिबोनाची सीरीज ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्शन फिबोनाची सीरीज पे अपन ने लिख चुका है हमने इसके ऊपर लूप्स पे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है हम इसको अभी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ठीक है रिकर्शन का अपन क्वेश्चन अभी समझते कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक अच्छा ये रिकर्शन हो तो रिकर्शन ठीक है अगर आपको पता होगा फिबोनाची क्या है तो अच्छी बात है नहीं पता होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सीक्वेंस सीक्वेंस पर तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि जो पहली वाले जीरो आती है फिर वन आती है फिर वन प्लस जीरो का एडिशन होती है फिर वन प्लस वन का एडिशन टू प्लस वन के एडिशन थ्री प्लस टू की एडिशन फाइव प्लस थ्री के एडिशन एट प्लस फाइव के एडिशन ये चलती रहती है ठीक है जहाँ तक अपनी की वैल्यू तब तक तो इसको कहते हैं फिबोनाची सिक्वेंस हमें अब इसको कोड करना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कोड लिखते हैं इसका पहले मैं कोड कंप्लीट लिखता हूँ फिर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता आता हूँ फंक्शन क्या होगा अपना फंक्शन होगा इंड फिना और यहाँ पे इंड टेन आएगा अभी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ जो एन की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है ठीक है वो डायरेक्टली बोला रिटर्न जीरो ओके सिंपल अगर ये नहीं रहा तो मैं बोलूँगा एल सिक्स एल सिक्स भी इसमें आएगा क्यों क्योंकि हम चेक करना है कि अगर जो एन की वैल्यू इक्वल टू तो वन है ठीक है ये भी है कंडीशन अगर वन आती है तो डायरेक्टली बोला रिटर्न ओके आसान और अगर तो ये दोनों भी नहीं रहा तो मैं बोलूँगा एल्स रिटर्न फिगुनाक्षी एन माइनस वन प्लस फिगुनाक्षी एन माइनस टू ठीक है आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों लिखा देखो फर्स्ट दो कंडीशन आपको पता चल गया था क्यों लिखता है अपन ठीक है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये अपन क्यों लिख रहा है क्योंकि जो पिछला वैल्यू है और उसका पिछला वैल्यू है हम उसका एडिशन करते जाते हैं ठीक है थीके? आपको पता होगा ना कि अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि पिछला जो वैल्यू है वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं हम जो वैल्यू है एंड की उसकी जो पिछली वैल्यू है और उसकी पिछली वैल्यू है उसको अपन ऐड करते हैं तभी हमें इस फिबोनाची का आंसर मिलता है ठीक है आसान है समझ गया होगा आप तो अभी हम लेते हैं मेन फंक्शन मेन फंक्शन बहुत आसान है इसमें हम उसे पर लॉन्ग लेंगे हम सी इन सी आउट लेता है कि एंटर द नंबर ठीक है और फिर मैं सी इन करके नाम की वैल्यू देता हूँ यूजर से अभी एक काम बताओ फॉर नंबर देता हूँ बहुत ओ नंबर अभी हम चेक करेंगे एक जो एंड नम की वैल्यू है वो लेस देन जेरो है मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सी आउट प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर ओके एल्स बहुत आसान है मैं बोलूँगा ना छी ओके सी आउट में आए भाई

बाइक अभी वो क्या आएगा वो बोला पे हम समझते हैं तो हम यहाँ पे लुक चलाएंगे एक लुक क्या होगा फॉर फॉडो में मैं कोई जिया से स्टार्ट करूँगा आई लेस देन एंड तक जाना चाहिए सही है और मैं बोलूँगा आई ठीक है अब मैं बोलूँगा जियो आउट आज और यहाँ पे मैं आई मतलब जो आई की वैल्यू से वो फंक्शन से कॉल करके यहाँ पे आ जाए और इसके बाद हमारा बाकी का काम हो चुका है हम चेक करते कि हमारा सही से चलता है कि नहीं तो मैं बोलता हूँ नंबर होना चाहिए पहले हम चेक करते हैं नेगेटिव नंबर में ने, नेगेटिव नंबर फोर्टीन आना चाहिए एंटर पॉजिटिव नंबर सही है करेक्ट है और एक चेक करते हैं अभी अभी चेक करेंगे हम आ, किस नंबर के लिए ट्वेंटी गेट क्रैक होता है तो ज़ीरो जीरो, जीरो प्लस वन एक काम कर रही तो गैप नहीं है यहाँ पे तो मुझे गैप देने पड़ेंगे यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर बना चाहिए और यहाँ पे बोलूँगा मैं मुझे क्रैप चाहिए ठीक है ओके अभी देखते हैं सही से होता है कि नहीं मैं बोलूँगा ट्वेंटी टू जीरो जीरो प्लस वन 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 प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन थर्टी फोर सही है बहुत सही है हमारा पोर्ट सही से रन हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमारा जो लॉजिक है सही है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने चेक किया, किया कि जो एन एस डेनबल को जीरो है ठीक है सही है फिर मैंने कहा कि अगर वन है आप वन दे रहे हो मुझे इनपुट तो वन आ जाओ वो भी सही है फिर मैं बोलता हूँ कि रिटर्न करो दो फिमोना ची ऑफ एन माइनस वन एन माइनस वन के एन माइनस वन है कि हम लोग चेक करें जो पिछले का पिछला नंबर है और पिछले का, का पिछला नंबर है मुझे इसको ऐड करना है बस ठीक है आसान है अभी मैंने कुछ नहीं किया पॉजिटिव नंबर लिया इनपुट लिया नम के फॉर्मेट में और मैंने कहा कि अगर नम की वैल्यू लेस देन जी को है तो प्रिंट करना कि पॉजिटिव नंबर है नहीं हाँ प्लीज सेंटर पॉजिटिव नंबर ठीक है अगर एल्स है मैं बोलूँगा कि फिबराचे सिक्वेंस ऑफ नंबर्स जो वैल्यू है हमारी आएगी सिक्वेंस आएगी वो हम प्रिंट कर देंगे आसान है ईजी था आई थिंक सबको समझ आया होगा कि कैसे काम करें फिबराचे सिक्वेंस यूजिंग रिटर्स अभी चलते आखरी आज के इस पूरे दिन का जो है प्रोग्राम टू फाइंड जी सी ऑफ ट टू नंबर्स एंटर बाई यूज़र यूजिंग रिकॉशन ठीक है जी डी अपन ने निकाला है जी सी डी एल सी हम लोगों ने निकाला है अपन ने पर इसमें हम लोग बहुत एक अच्छा तरीके से यूज़ करेंगे जो है ट्रिटी तरीका है बहुत ये आपको आना चाहिए ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटिशन वगैरह में आप डायरेक्टली इसको अप्रोच यूज कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम जी सी डी निकालते हैं तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि जी सी डी क्या होता है तो जी सी डी मैं लिखता हूँ जी सी डी एग्जाम्पल्स तो जिसी क्या होता है ये एग्जैक्टली जिस क्या है इमेज में एक्सप्लेन हाँ दिखता होगा तो सही बात है ठीक है यहाँ पे देखना थर्टी सिक्स और सिक्सटी री है अभी हम लोग बेसिकली इसके फैक्टर्स निकालेंगे ठीक है अभी इसके फैक्टर्स क्या टू एट टू टू थ्री टू थ्री इन फैक्टर्स है सिक्सटी का फैक्टर्स है टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव फैक्टर्स है अब इसमें जो भी कॉमन है ना जो भी कॉमन है उसको अपन मल्टीप्लीकेशन कर हैं टू कॉमन है थ्री कॉमन है और टू कॉमन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ट्वेल्थ आएगा ये हमारा जी सी डी है ठीक है सिंपल है बहुत आसान है तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा पी पी टी में कि कैसे मैंने इसका कोर्स लगाया है इसका पहले आप अच्छे से कोर्च देख लेना आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला अभी मैं यहाँ लिखूँगा जी सी डी underscore recursion dot डॉट सिक बी यहाँ पर पहले लिखूंगा कोटेट यहाँ पर फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें फंक्शन लिखना फंक्शन क्या आएगा फंक्शन आएगा इंट जी सी और मैं यहाँ पे मुझे दो चीज़ दो नंबर्स चाहिए यहाँ पे एक नंबर दो नंबर इंट ए और बी भी चाहिए ठीक है इंट बी अब मैं यहाँ लिखूँगा कि इस अगर बी इक्वल टू जीरो है बी इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न ये का देना डेफिनेट कोई एक जीरो लिखता है तो दूसरा आंसर जो है वो ही आएगा आंसर ओके अदरवाइज रिटर्न जी सी डी ऑफ ये इम्पोर्टेंट बी का ए मॉड्यूलो बी ठीक है ए मॉड्यूलो है सॉरी ए मॉड्यूलो बी अभी ये कैसे आया इसका एक लॉजिक है बेसिकली आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से डायरेक्टली तो आपको मुश्किल होगा समझने में मैं आपको कोड लिखने के बाद आपको डायरेक्टली आपको पीपीटी में एक्सप्लेन करता हूँ अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडमेल एस्ट नम वन कम टू दो चीज़ चाहिए दो नंबर चाहिए सी आउट एंड फर्स्ट नंबर ठीक है। तो में नंबर दूंगा जो आएगा नम वन इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे वेस्ट किया एंटर सेकंड नंबर सेकंड नंबर में यहाँ पे टू आएगा ओके दो नंबर मैंने इनपुट किया यूजर से अभी मैं बोलूँगा एफ जो नम वन की वैल्यू है जो नम वन की वैल्यू है लेस देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो ठीक है इसमें से सेटिस्फाई कोई दोनों में से कोई भी एक हुआ तो मैं बोलूँगा नंबर <laughs> पॉजिटिव नंबर फाइव आसान एंड एल अगर ये भी नहीं होता है तो मैं बोलूँगा एल इसमें क्या होगा एन रिजल्ट जिसरिक of the key one of gcd of long one एंड नॉन टॉप क्या आना चाहिए अपना ये अभी नहीं आना रिजल्ट के बाद सीआउट में आ तो मैं इसको कंफ करता हूँ अच्छा हाँ तो इन रिजल्ट इक्वल टू जिसे जो अपना था फंक्शन वो है और यहाँ पे सी आउट आएगा सी आउट नंबर वन एंड नंबर टू इज रिजल्ट ओके आई थिंक जो समझ आया होगा टेस्ट सॉल्व ऑल हैं टेस्ट अभी मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ सो फर्स्ट नंबर है मेरा मैं बोलता हूँ फोर्टी एट दूसरा नंबर है ट्वेल्व तो सी सी डी ट्वेल्व ठीक है करते ओके व्हाट इज द जी सी डी ऑफ फोर्टी एट एंड पे देगा आंसर ट्वेल्व ठीक है और कोई एग्जांपल देते हैं हमें फिर मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल्स ऑफ इसी तो यहाँ पे क्या है साथ में फाइव फिफ्टीन और है टेन टेन चेक करता है वापस एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे देखते हैं फिफ्टीन यहाँ से टेन तो फाइव है ठीक है यहाँ पे लिखता तो है हमें फाइव सही है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कोड में लिखा था एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है हमने पहले चेक किया कि जीरो है तो मैं बोल दूंगा रिटर्न ओके वाले रिटर्न कर देना या तो मैं बोलूँगा रिटर्न जी सी डी बी फॉर्म ए मोडियो बी अभी कैसे आया मैं आपको सो क्या अभी ध्यान से देखना कि मैंने इसको कैसे आ, ये इस लॉजिक को एक्सप्लेन किया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक आपको समझ में आज पहले हमने चेक किया जी सी डी ओ फोर्टी एट एंड एटीन ठीक है पहले हमने चेक किया क्या जो बी की वैल्यू जीरो है तो बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो डेफिनेटली हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे पहले हम जो फोर्टी एट है उसको मॉडल बाई एटीन करेंगे तो इसका जब आप करोगे तो आप वैल्यू ट्वेल्व आएगी अभी ट्वेल्व होने के बाद जैसे ही ये ट्वेल्व आती है तो हमारा स्टेटमेंट चेंज होता है अभी स्टेटमेंट है वो अपना एटीन कॉमर ट्वेल्व ओके एटीन कॉमर ट्वेल्व जब आप करोगे तो क्या होगा पहले हम चेक करते हैं कि क्या ई की वैल्यू जीरो है कि नहीं अगर नहीं है कंडीशन मैट नहीं करता सो तो यहाँ भी अपन वापस यूज़ करेंगे अभी कैसे अपन सबसे जीरो है के लिए क्योंकि डेफिनेटली ना आप जब करोगे ट्वेल्व तो ट्वेल्व के जो वैल्यू ट्वेल्व टू हज़ार ट्वेंटी फोर होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो मॉडल जीरो नहीं आग रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ डेफिनेटली जो वो है कंडीशन मैच नहीं होता अभी हमारा जो स्टेटमेंट चेंज हो चुका है अभी यहाँ पे हो चुका है सिक्स आएगी वाड वैल्यू ठीक है क्योंकि रिमाइंडर सिक्स है ना इसका तो वापस समझ चेक करेंगे ट्वेल्व का सिक्स के साथ ट्वेल्व का सिक्स में जब करोगे तो जो सिक्स की वैल्यू है वो जीरो आएगी क्यों क्योंकि डेफिनेटली सिक्स इंटू टू जर ट्व है तो इससे क्या होता है हमारा प्रूव होता है कि जो सिक्स है वो डी सी डी ऑफ ट्वेल्व का सिक्स है एटीन कामा ट्व है और फोर्टी एट कॉमा भी है तो जी सी इस सिक्स ठीक है तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा कि अपन कैसे कोड लिखा है आपको ये पूरा जो पांच प्रॉब्लम्स से आपको एक से समझ आया होगा तो अगर आपको वीडियो समझ आया होगा वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग